फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल राइडर रचित में। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं ये कूटाघाट और राम टेकरी की भी जाने की हम कोशिश करेंगे, और काफ़ी छोटी राइड रहेगी आज की। तो चलिए दोस्तों, राइड को स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, कूटा घाट जो है वो खारंग नदी पे बना हुआ डैम है। ये 1930 में ब्रिटिश राज के समय बनवाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि उस समय क्या था, जल संसाधन और सिंचाई के लिए उस समय ऐसा कोई बड़ा जलाशय इस बिलासपुर एरिया में नहीं था। इसी कारण सिंचाई के मेन उद्देश्य को रख के इसको बनाया गया था सन 1930 में, और ये खारंग नदी पर स्थित है। वर्तमान में इसका नाम है संजय गांधी जलाशय, इसको अपन कूटा घाट के भी नाम से भी जानते हैं। कूटा घाट इसका नाम क्यों पड़ा, इसका भी एक कारण है, क्योंकि उस समय क्या था, पुराने समय में जब जंगल थे तो जंगलों को, बसावट को उस समय हटा के, क्योंकि पूरा सुनसान एरिया था जंगल में, तो उस समय इस एरिया को अंग्रेजों के द्वारा अधिग्रहित किया गया और उसमें खारंग नदी जो बहती थी इस एरिया को किया गया कि अपन इसको क्या करते हैं, एक बांध बना देते हैं। बांध बनाने के बाद वो पूरा जो जंगल एरिया था आपका पानी में ढक गया, मतलब कवर हो गया पानी से, तो जिसके कारण जंगल थे वो पूरे जो पेड़ थे उसके सब डूबान क्षेत्र में आ गए, और वो जितने भी पेड़ थे वो सब ठूठ में कन्वर्ट हो गए। तो ठूठ को अपन हिंदी में खूंट भी बोलते हैं, तो ऐसे उसका नाम कूटा घाट का नाम कूटा घाट पड़ा। तो मेरे को लगता है और आपको सुन के नया एक जानकारी लेके आपको अच्छा भी लगा होगा। कूटाघाट डैम के बारे में दोस्तों, मैं एक और आपको उसका टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूँ। कूटाघाट जो डैम है उसका टोटल जल ग्रहण क्षेत्र है 614 वर्ग किलोमीटर। इसकी कुल संग्रहण क्षमता है 195.24 घन मीटर, और बांध की अधिकतम ऊंचाई है 21.3 मीटर, और इस बांध से जो कुल सिंचित क्षेत्र है वो है 48,623 हेक्टेयर, और कुल लाभान्वित ग्राम है 208, और कुल लागत इसकी आई थी 65.63 लाख। तो मेरे को लगता है दोस्तों, ये जानकारी पा के आपको काफी अच्छा लगा हो।
फ्रेंड्स, यह जो बड़ी सी नहर देख रहे हैं, ये खूटाघाट डैम की मुख्य नहर है। खूटाघाट की जो मुख्य नहर है, ये आपका सीधा मस्तूरी और मल्हार तक इसमें पूरा सिंचाई होता है इस क्षेत्र का, बिलासपुर क्षेत्र से। तब हम आ पहुँचे हैं खूटाघाट डैम। खूटाघाट डैम बिलासपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बहुत ही अच्छी जगह है। पानी तो फिलहाल कम है यहाँ पे। अब मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए पीछे का व्यू, पानी काफ़ी कम है। अभी रिसेंटली पानी छोड़ा गया था यहाँ सिंचाई के लिए, इसी कारण थोड़ा पानी कम लग रहा है। बरसात जब होती है तो काफ़ी पानी इकट्ठा रहता है, लगभग 80 से 90% तक पानी यहाँ पर रहता है। लेकिन सिंचाई होने के कारण काफ़ी पानी को छोड़ दिया गया है। बिलासपुर का सबसे पुराना डैम खूटाघाट डैम, लगभग 70 से 80 साल पुराना। आइए चलिए आगे चल के एक मंदिर है, वहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं। सब हम वहाँ पहुँचे हैं खूटाघाट डैम। संसाधन विभाग से परमिशन लेके विद फैमिली आ सकते हैं, रुक सकते हैं और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको आके यहाँ। पीछे और आगे आप जाएंगे तो एक मंदिर है। वो मंदिर अगर पूरा डूबे रहेगा तो आप ये मान के चलिए कि इस जगह पे लगभग 100% पानी यहाँ पे भरा हुआ है। हालांकि पानी तो अभी कम है, हम उधर पे जाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए वहाँ पहुँच के मैं आपको वहाँ का एक व्यू दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम वहाँ पहुँचे उस एरिया में जहाँ पे बरसात का पानी ओवरफ्लो होता है। ये पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब पानी पूरा भर जाता है तो इस एरिया में डैम का पानी ओवरफ्लो होता है। तो अब बरसात में जब भी आएंगे इस एरिया में ज़रूर आइएगा, बहुत ही अच्छा और मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, मंदिर का मैं जो जिक्र कर रहा था, जिससे पता चलता है कि पानी ओवरफ्लो हो रहा है, वो पीछे आप देख सकते हैं, सफ़ेद मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है वो। और इस जलाशय में पानी अगर भर गया है, और पुराने समय में इसी को देख के देखा जाता था कि पानी कितना परसेंट भरा है। अभी भी मंदिर आप देख सकते हैं लगभग 70% के आसपास डूबा हुआ है। तो ये जब पूरा मंदिर डूब जाता है तो इधर आप जो आपको मैं उसके पहले दिखाया, डैम का जो रियर हिस्सा जहाँ पे पानी ओवरफ्लो होता है, तो ये उसका इंडिकेशन है। ये मंदिर अगर डूब गया तो उसके बाद आप जान सकते हैं कि यहाँ का डैम ओवरफ्लो हो गया है। हालाँकि अभी भी काफ़ी पानी है, पीछे आपको मैं दिखाता हूँ, काफ़ी पानी है अभी भी। काफ़ी मेरे हिसाब से यहाँ पे लगभग अभी 60% पानी तो होगा, जो कि आगे गर्मी में सिंचाई के लिए काम आएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा, और ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राइडर रचित।